सवे भवतु सुखिनः, भाग -8। सुन लो जरा जो गीता में कहा, जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। डंका बजना यानी कि प्रसिद्ध होना, विख्यात होना, मशहूर होना। तो डंका तो पूर्व में भी निष्कामी पवित्र आत्मों का ही बजता था और वर्तमान में भी ऐसी ही आत्माओं का डंका बज रहा है और भविष्य में भी ऐसी ही आत्माओं का डंका बजेगा। निष्कामी पवित्र आत्मा यानी कि जो इंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श से मुक्त थे, जो विकार काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर व पाप से मुक्त थे, जो सत्य पथ के पथिक थे, जो अपने ज्ञान प्रदाता की राह पर चलते हुए जन कल्याण में संलग्न थे अथवा वर्तमान में भी निष्काम भाव से संलग्न हैं। लेकिन यदि कोई सत्य के पथ पर चलते हुए डंका बजने के बाद असत्य की राह पकड़ लेता है तो उसको फजीहत से दुर्गति होने से भी कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि हमारे पाप पुण्य कर्मों के अनुसार हमें दुख और सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। चिंता करने से दुख कम नहीं होता है, हाँ दुख में भी प्रसन्न रहने से दुख की अनुभूति में कुछ कमी अवश्य हो सकती है, लेकिन दुख पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है। लगातार